तो इस अकाउंट से अपना पर्सनल क्रेडिट कार्ड रिमूव करने या डिटेच करने के लिए पेमेंट मेथड को क्लिक करें। यहाँ आपको दो अकाउंट्स मिलेंगे, एक आपका पर्सनल अकाउंट और दूसरा अजोर फ्री क्रेडिट वाला अकाउंट। तो इससे मैं ये पर्सनल वाला अकाउंट डिलीट करना चाहता हूँ। इसके लिए यहाँ इन थ्री डॉट्स पर क्लिक करके डिलीट को क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब भी हम किसी वेबसाइट पर फ्री सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमें पूरी अटेंशन से एक्सपायरी डेट को याद रखना पड़ता है। अगर इसमें हम थोड़ी भी गफलत से काम लेते हैं तो हमें 40-50 डॉलर का टीका लगना पड़ सकता है। और ख़ास तौर पर ये अजोर, टेंसेंट और कई और वेबसाइट्स पर हमें इस तरह की टेंशन का सामना पड़ सकता है। हाल ही में मैंने अजोर पर फ्री क्रेडिट हासिल करके एक आरडीपी बनाई थी। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि ये इतनी बड़ी कंपनी होकर भी, जो आपसे वादा करती है कि ऑटो रिचार्ज नहीं होगा, और इसके बावजूद मुझे 14,000 रुपये का बिल भिजवा दिया। और सिर्फ ये कंपनी ही नहीं, इस तरह के और बहुत सारे कंपनियाँ हैं, मसलन AWS, अमेजोन और टेंसेंट cloud.com। ये कंपनियाँ इतनी पेचीदा तरीक़ाकार बनाते हैं कि आप RDP बनाते वक्त या किसी और फ्री सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आपको पता ही नहीं चलता, और जो ही वो वक्त गुजरता है तो आपसे ऑटो रिचार्ज स्टार्ट कर लेते हैं। तो आइए सीखते हैं कि इस लॉस से किस तरह बचा जा सकता है। मैंने कुछ अरसा पहले अजोर पे $200 फ्री सब्सक्रिप्शन ली थी। इस सब्सक्रिप्शन में मेरे पास अब भी $17 रिमेनिंग है, लेकिन ट्रायल पीरियड ख़त्म होने में तकरीबन 2 दिन बाकी हैं, और वैसे भी अजोर की RDP सर्विस भी बहुत स्लो है, इसलिए मैं इसे स्टॉप करना चाहता हूं ताकि ये मुझसे ऑटो रिचार्ज न करे। तो सब्सक्रिप्शन से अपना कार्ड रिमूव करने या चेंज करने के लिए अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएं। अब अपने बिलिंग सेक्शन तक पहुँचने के लिए यहाँ कास्ट मैनेजमेंट को क्लिक करें या इस नेविगेशन मेन्यू को क्लिक करके कास्ट मैनेजमेंट को क्लिक करें, या यहाँ मोर सर्विसेज को क्लिक करके कास्ट मैनेजमेंट को क्लिक करें, या इस पेज को स्क्रॉल करके नीचे कास्ट मैनेजमेंट आपको मिलेगा उसको क्लिक करें। इस पेज पर आपको अकाउंट रिलेटेड तमाम डिटेल्स मिलेंगे। आपने अजोर की जितनी सर्विसेज बाय की है या यूज़ कर रहे हैं, तमाम के डिटेल आपको यहां मिलेंगे। तो हम रिमूव करना चाहते हैं अपने क्रेडिट कार्ड को इस अकाउंट से। इसके लिए पेमेंट मेथड को क्लिक करते हैं। यहां पर हमें दो अकाउंट्स मिलते हैं जो फ़िलहाल इस बिलिंग अकाउंट से अटैच्ड हैं, एक हमारा बैंक अकाउंट और दूसरा अजोर फ्री क्रेडिट का अकाउंट है जो करंटली इस्तेमाल हो रहा है, और इसमें अब भी $17 का क्रेडिट मौजूद है। तो मैं इसमें से मास्टर कार्ड वाला अकाउंट डिलीट करना चाहता हूं। तो यहां इन थ्री डॉट्स पर क्लिक करता हूं। यहां पर दो ऑप्शंस मिलते हैं, रिप्लेस और डिटेच द करंट पेमेंट मेथड। तो रिप्लेस करने के लिए रिप्लेस और डिलीट करने के लिए डिटेच द करंट पेमेंट मेथड को क्लिक करें। मैं डिलीट करना चाहता हूं तो डिटेच पर क्लिक करता हूं। पेमेंट मेथड कांट बी डिटेच फ्रॉम द बिलिंग प्रोफाइल फॉर द फॉलोइंग रीजंस। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्शन एंड ट्राई अगेन। अल्टरनेटिवली इफ यू जस्ट वॉन्ट टू चेंज द डिफॉल्ट पेमेंट मेथड, सेलेक्ट कैंसिल एंड देन सेलेक्ट रिप्लेस इन द डिफॉल्ट पेमेंट मेथड सेक्शन। यानी पेमेंट मेथड को आप चेंज नहीं कर सकते, पहले आप कैंसिल करें और फिर डिलीट करें। तो इसके लिए हम कैंसिल एंड डिलीट सब्सक्रिप्शन को क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम अपने $200 जो हमें फ्री में मिले थे उनमें से 121 और 62 तकरीबन $183 खर्च कर चुके हैं, और अब भी हमारे पास $17 रिमेनिंग है, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है, यानी सिर्फ एक ही दिन बाकी है मंथ सब्सक्रिप्शन में। तो हम इसलिए इस अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं। योर रिमेनिंग 17.9 फ्री क्रेडिट एक्सपायर्स इन वन डे, अपग्रेड टू कीप गोइंग विद योर अकाउंट। तो हम अपग्रेड करना नहीं चाहते, इसलिए कैंसिल सब्सक्रिप्शन को हम क्लिक करते हैं। अब ये रीज़न मांग रहे हैं कि क्यों आप कैंसिल करना चाहते हैं, तो यहाँ से कोई सा रीज़न आप चूज़ करें। तो रीज़न फॉर कैंसिलेशन मैं चूज़ करता हूँ टू एक्सपेंसिव, टर्न ऑफ माय रिसोर्सेज।
I understand that my subscription and data will be deleted. तो इस चेक बॉक्स को मैं चेक करता हूँ और कैंसिल सब्सक्रिप्शन को क्लिक करता हूँ. सब्सक्रिप्शन कैंसल्ड यानी हमारा सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो चुका है और ये तकरीबन अपडेट होने में 10 मिनट लेगा. अब हमारा सब्सक्रिप्शन डिसेबल्ड हो चुका. अब यहाँ अजोर सब्सक्रिप्शन 1 को क्लिक करें और इसे डिलीट करें. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका सब्सक्रिप्शन ऑटोमेटिकली डिलीट होगा और अगर ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं हुआ तो ये दो स्टेप्स फॉलो करें. तो मैं इन दो स्टेप्स को फॉलो करता हूँ. डिलीट रिसोर्सेज, सब्सक्रिप्शन हैज़ 23 रिसोर्सेज. तो मैं व्यू रिसोर्सेज को क्लिक करता हूँ और वहाँ पे तमाम रिसोर्सेज डिलीट करता हूँ. यहाँ पे इन तमाम रिसोर्सेज को चेक करता हूँ और डिलीट पे क्लिक करके इन्हें डिलीट करता हूँ. यहाँ पर आपको वार्निंग दी जा रही है कि ये डिलीशन जो आप कर रहे हैं ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, यानी आप इनको दोबारा रिस्टोर नहीं कर सकते. तो ठीक है, हमें मालूम है. यहाँ इस चेकबॉक्स को चेक करें, अप्लाई फोर्स डिलीट फॉर सिलेक्टेड वर्चुअल मशीन एंड वर्चुअल मशीन स्केल सेट्स. तो इसको मैं चेक करता हूँ और यहाँ पे कंफर्म डिलीट में यस लिखकर कंफर्म करता हूँ. अब हमारे तमाम रिसोर्सेज डिलीट हो चुके. एक बार फिर नेविगेशन मेन्यू को क्लिक करके कॉस्ट मैनेजमेंट को क्लिक करते हैं और यहाँ पे पेमेंट मेथड को. अब एक बार फिर इन थ्री डॉट्स को क्लिक करते हैं और यहाँ पे डिलीट और डिलीट द करंट पेमेंट मेथड और एक बार फिर कैंसिल एंड डिलीट सब्सक्रिप्शन. यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि हमारा अजोर सब्सक्रिप्शन 1 डिसेबल हो चुका. अब यहाँ अजोर सब्सक्रिप्शन 1 को क्लिक करते हैं और इसे डिलीट करते हैं. अब ये फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका. इसके बाद हम 3 दिनों के बाद अकाउंट पे लॉगिन होंगे और इसको अंजाम तक पहुँचाएंगे. तो 3 दिनों के बाद दोबारा इस पेज को हम रिफ्रेश करते हैं. अब यहाँ पे हमें डिलीट का ऑप्शन मिल रहा है. दिस एक्शन विल परमानेंटली डिलीट सब्सक्रिप्शन. टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन, यहाँ हम सब्सक्रिप्शन का नाम लिखेंगे. सब्सक्रिप्शन का नाम था सब्सक्रिप्शन 1, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे और डिलीट को प्रेस करके इसे डिलीट करेंगे. कंफर्म डिलीट. तो हमारी सब्सक्रिप्शन डिलीट हो चुकी.